नमस्कार दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का नया वीडियो होम्योपैथी के विषय पर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, और आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया मुझे, लगातार वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स भी दे रहे हैं, अच्छा लगा। तो इसी तरह मैं लाते रहूँगा नई नई होम्योपैथिक वीडियो जो आपके काम में लगे और आप एलोपैथी के साइड इफेक्ट से बच सकें। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक नए विषय पर जो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है हर जगह, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड ये एक प्रॉब्लम है। और हम डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि हाइपरटेंशन से कैसे पेशेंट्स को ठीक रखा जाए या ठीक किया जाए। तो आपको पता ही है, एलोपैथी मेडिसिन आप अगर एक बार लेते हैं तो वो आपको उम्र भर लेना पड़ता है, कुछ दिन बाद वो दवाई भी काम नहीं करती। तो क्यों ना हम होम्योपैथी ट्राई करें, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई अभी बन रही है और लोगों को फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। तो हम लोग क्लिनिक में हर दिन बहुत सारे पेशेंट देखते हैं जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है। तो आइए देखते हैं होम्योपैथी में क्या क्या ट्रीटमेंट है, उसके कारण क्या है, एक्चुअली हाइपरटेंशन क्यों होता है, उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, एलोपैथी में उसके साइड इफेक्ट क्या है। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं हाइपरटेंशन क्यों होता है। ये ब्लड का प्रेशर का प्रॉब्लम है। ये ज़्यादातर जो स्मोकिंग करते हैं, टेंस ज़्यादा रहते हैं, जो वर्कआउट नहीं करते हैं, पैदल नहीं चलते, वर्कआउट नहीं करते हैं, इसीलिए उनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खान पीन में भी एक बड़ा एक प्रॉब्लम है, जो एक्सेसिव रिच ज़्यादा खाते हैं, चर्बीदार खाना ज़्यादा खाते हैं, मीट ये सब ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों को भी चांसेस रहता है हाइपरटेंशन होना, यानी हाई बीपी होना। तो आइए इससे हम लोग कैसे बच सकें। पहले तो सबसे पहले नींद बहुत ज़रूरी है। एक पेशेंट को, एक आदमी को, स्वस्थ आदमी को कम से कम 7 से 8 घंटा नींद होना ज़रूरी है। अगर उसको वो नींद आ जाए, प्रॉपर उसको नींद रहे, तो उसको हाइपरटेंशन होने का चांस बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके बाद है स्मोकिंग। डे टू डे लाइफ में आज ज़्यादातर मेल पेशेंट्स स्मोकिंग करते हैं, इसीलिए उनको हाइपरटेंशन रहता है। तो हम लोग सलाह देते हैं कि स्मोकिंग ना करें। सिर्फ हाइपरटेंशन नहीं, स्मोकिंग हार्ट को भी बहुत नुकसान देता है, साथ ही साथ लंग्स और बहुत सारे ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में नुकसान करते हैं। इसीलिए स्मोकिंग और अल्कोहल ड्रिंकिंग ये बंद करें, जहाँ तक हो सके बहुत कम करें। अगर ओकेशनली अल्कोहल लेते हैं तो उतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर डेली अल्कोहल लेते हैं तो बहुत नुकसान करेगा आपको। और वेजिटेरियन खाना ज़्यादा खाइए। वेजिटेरियन पनीर खा सकते हैं, कोई भी सब्जी खा सकते हैं, उसमें हाइपरटेंशन हाई बीपी नहीं होगा, आपको प्रेशर बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है। इसीलिए आप कोशिश करें नॉनवेज खाना को जहाँ तक हो सके कम खाएं। तो आइए जानते हैं होम्योपैथी में क्या क्या दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। पहले तो इंडियन दवा सिर्फ मिलती थी, कुछ सालों से हम लोग को जर्मनी की दवाई अवेलेबल हर जगह मिल जाती है। इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गई है जर्मनी, डॉक्टर रेक्वेज है, एडेल है, विल्मर स्वाइब है, बड़े बड़े कंपनियाँ होम्योपैथिक अब इंडिया में मार्केटिंग करती हैं। तो होम्योपैथिक दवाई जर्मनी की, यानी फॉरेन से जो आती है, मेड इन जर्मन, ये दवाई आपको मिल जाएगी। और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है एलोपैथी के हिसाब से। हाँ, होम्योपैथिक दूसरा इंडियन कंपनी दवाई से थोड़ा कॉस्ट जरूर है, लेकिन ये कॉस्ट आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये बहुत साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करती है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। और धीरे धीरे अगर आपका प्रेशर कंट्रोल में आ जाए, आप अगर आपका डाइट वगैरह सब कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग कम करें, अल्कोहल कम लें, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको हाइपरटेंशन का दवाई कुछ ना ले सके, आप लेना नहीं पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग दोस्तों होम्योपैथिक दवाई खाइए। होम्योपैथिक दवाई खाने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रिजनेबल भी है और सब जगह मिलता भी है। और खाने से पहले ज़रूर एक लोकल जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर, उनसे ज़रूर आप एडवाइस ले लें, उनके एडवाइस के मुताबिक खाए। नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप आपका क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं डोज आपको बता दूंगा। मैं वीडियो में तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ आपको पर्सनली अगर आप कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए देखते हैं होम्योपैथी में क्या क्या दवाइयाँ हैं। सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड करता हूँ और बहुत अच्छी दवाई भी है, सबको पता है होम्योपैथी में, कि राउलफिया नाम का एक दवाई है, इंडियन हर्ब से तैयार होता है, राउलफिया सर्पेंटाइन। मेरे हाथ में जो है डॉक्टर रेक्वेज की दवाई है, जर्मनी, मेड इन जर्मनी। इसका 20 ml का दाम आता है
230, ये थोड़ा पुराना है, शायद दाम बढ़ भी सकता है, 240 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 250 के करीब पड़ेगा आपका एक CC 20 ml। ये लगभग 15 से 20 दिन जाएगी कंटिन्यू खाने से। राहुल भैया सरपेंटिना, इसको आपको लेना है 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम। जिसको बहुत ज़्यादा बीपी है, 160 से ऊपर हर वक्त रहता है, दवाई खाने के बाद भी कम नहीं होता है, उनके लिए ये 10 बूंद 3 टाइम थोड़ा पानी में मिला के आफ्टर मील इसको लेना है। ये हुआ डॉक्टर एक्वेज का राहुल भैया सरपेंटिना, ये 3 टाइम ले, कंटिन्यू खाएं इसको। साथ ही साथ एक बहुत बायोकेमिक दवाई है, बहुत बेहतरीन दवाई बायोकेमिक, केलीफॉस, पोटेशियम क्लोराइड से बनती है, 6x पोटेंसी का आप ले, पावर का बायोकेमिक दवाई है, SBL इसको बनाती है। इसको छोड़ के भी आप कोई भी इंडियन अच्छा कंपनी का भी ले सकते हैं, जर्मनी का भी मिलता है, जर्मनी का भी ले सकते हैं। यह केलीफॉस 6x, इसका दाम है 80 रुपया एक छोटा फाइल का, ये आपका 15 दिन चल जाती है, 25 ग्राम का फाइल है केलीफॉस 6x, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये टैबलेट लेना है आपको 4 दिन में 4 टाइम। इसका काम क्या है, जैसे राहुल भैया तुरंत बीपी को लो करता है और ये बैलेंस रखता है बीपी को, और इससे स्ट्रेस टेंशन ये वगैरह कम रहता है, नींद बहुत अच्छी आती है इससे, इसलिए केलीफॉस खाए। इसको आप कंटिन्यू कोई भी खा सकता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ज़्यादा भी अगर डोज खा ले तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये एक बायोकेमिक सॉल्ट है, ये मिनरल सॉल्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से खा सकते हैं इसको दिन में 4 टाइम, 4 गोली दिन में 4 टाइम ले, थोड़ा गुनगुना पानी के साथ अगर हो सके। अगर गुनगुना पानी बनाने में दिक्कत है, आप बाहर हैं तो आप ऐसे ही ले सकते हैं इसको। इसके अलावा मैं जो रैंडमली यूज़ करता हूँ, वैक्सेंस की एक दवाई है BP8, वैक्सेंस होम्योपैथी की BP8, ये एक ड्रॉप है, 135 इसका प्राइस है, 30 ml का, ये लगभग 20 दिन आपका चल जाएगी, 20 बूंद करके दिन में 3 टाइम आपको लेना है, थोड़ा पानी में मिला के। इसको खाने से पहले ले, क्योंकि खाने के बाद दो दवाई है, ये खाने से पहले ले, BP8 वैक्सेंस की दवाई है। ये तीनों दवाई आप कंटिन्यू रखें जब तक आपका BP नॉर्मल 120-80 या उससे थोड़ा कम हो जाए, तब तक यही डोज रखें। जब देखते हैं भी 120/80 से नीचे अगर हो जाता है प्रेशर, तो आप इसको डोज को दिन में 2 टाइम ले, सिर्फ बायोकेमिक 4 टाइम ले, BP8 और राहुल फिया जो बोले, ये दिन में 2 टाइम ले, इससे आपका प्रेशर संतुलन बना रहेगा, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आपका हार्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कोशिश कीजिए ये दवाई जल्द से जल्द लेने की। एलोपैथी जो बहुत दिन से एलोपैथी ले रहे हैं, मेरा सलाह है उनको तुरंत एलोपैथी दवाई बंद ना करें। एलोपैथी दवाई लेने के साथ ये भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एलोपैथी दवाई धीरे धीरे छोड़ दें, पहले 1 दिन बाद उसके बाद 2 दिन बाद ऐसे करके अगर छोड़ें तो एलोपैथी का जो विथड्रॉल साइड इफेक्ट होता है वो नहीं होगा आपको, और धीरे धीरे आपको होम्योपैथी भी सूट कर जाएगा। तो कोशिश कीजिए होम्योपैथी खाएँ, होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, स्वस्थ रहें, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, सबसे पहले मेरे चैनल को डॉक्टर बापा भौमिक, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का एक दवाई बटन आता है उसको दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आता रहेगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।